सत कुमार गैया गारा बतिया हो दादा यहरा चल रही अपन हो बरात। नमस्कार, मैं हूँ राजदेव, आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा यावर। आपने इस बुजुर्ग का गाना सुना, ये एक चाचर था। हम में से बहुत सारे भाइयों ने या बहनों ने चाचर शब्द को भुला दिया है। चाचर एक लोकल गीत है, खासतौर से झारखंड बिहार में गाई जाती है। गाई जाती थी कह लें, क्योंकि बहुत कम लोग जानने वाले हैं। और इस चाचर को ढूंढने के लिए हमने कितनी मेहनत की, इसे इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितनी मेहनत की, कितने पापड़ बेले, कितना पैदल चले, तब जाकर इस चाचर को हम ढूंढ पाए हैं। चाचर के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि ये शादी ब्याह के मौके पर गाया जाने वाला है, लेकिन गर्मी के दिनों में एक आम किसान, आम ग्रामीण भी इसे गुनगुना लेता था। महेश्वरनाथ रेणु ने अपनी कहानी रसप्रिया में इस गीत का या गान का जिक्र किया है और कहा है कि जब पूरी तरह से गर्मी छा जाती थी, लोग खुद ब खुद चाचर गाने लगते थे। तो आज हम चाचर की खोज में निकले हैं, आज नहीं 15 दिन से लगातार खोज ही रहे हैं, और कितनी मेहनत की ये हम बता रहे हैं आपको। हमने अपने गांव में पहले ढूंढा कि अब कोई चाचर गाने वाला है, पता चला चाचर गाने वाला कोई नहीं है, इसे यादव जाति के लोग ही अब गाते हैं। पहले अन्य जातियाँ भी गाती थी, लेकिन यादव जाति के लोग ही आजकल गाते हैं, खासतौर से बाराती के समय। बाराती जाते जाने से पहले वो चाचर गाते हैं, चाचर गाते हुए अपने समधी के दरवाजे तक पहुँचते हैं। जो भी हमारे गांव में लोग नहीं मिले, पता चला कि यहाँ से कुछ दूर, करीब 8 किलोमीटर दूर, चपरी नाम का एक गाँव है, वहाँ एक कपिल सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो चाचर गाते। कोई और कपिल सिंह है यहाँ पर? मास्टर है मायापुर में। मायापुर में है? मायापुर में ये है गांव मैसी मन में पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ससुराल है ये। ओ, ससुराल है उनका यहाँ। जमीन खरीद के रहा। अच्छा, यहाँ कोई चाचर गाते हैं शायद? वो है? चाचर गाते हैं, चाचर वो है? अब सब छिड़िया गलो नहीं, चाचर ना वैसे गवो लो। उन्होंने बताया कि चाचर उनके गांव का एक और कपिल सिंह है, वो जानता है। उस कपिल सिंह से हम नहीं मिल पाए, वो थे ही नहीं यहाँ पे। उस गांव से हमें पता चला कि हम अगर चाचर जान सुनना चाहते हैं तो हमें भोंडो गांव जाना होगा। ये भोंडो झारखंड के कोडरमा जिले में एक पंचायत है। हमने बस पकड़ी और बस पकड़ के सीधे भोंडो चले आए। भोंडो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं। तो आपको सीधे भोंडो लिए चलते हैं, भोंडो की खूबसूरती भी दिखाते हैं और वहां क्या। ये आप देखते ही चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर धान सुखाने की कोशिश की गई है, धान सुखाने की कोशिश की गई है। और ये मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर हैं ऐसे बने हुए। इधर में एक छोटा सा लेडीज देखिए सरसों का लेते जा रही है। मिट्टी का घर है, इधर में दिखाऊं आपको मैं, ये देखिए इधर में भी खूबसूरती है, मंदिर खूबसूरत सा है। ये देखिए यहाँ पे मंदिर का परिसर, और इधर देखिए यहाँ भी मचान बहुत सारे हैं। मैंने आपसे कहा जितने भी घर हैं सब एक मचान बनाते हैं ताकि पुआल, जो धान का पुआल है उसे रख सकें और बाद में इसका इस्तेमाल कर सकें, खासतौर से और जब घास मर जाती है, घास जानवरों खाने के नहीं रहती, तब ये पुआल काम आता है। बरसात के मौसम में खासतौर से, क्योंकि जब घास भीगी होती है तो जानवर उसको खाना नहीं चाहते,
और उस समय ये बड़ा काम आता है, गर्मी के मौसम में काम आता है जब घास हर तरफ मर जाती है। तो किसी भी तरीके से आप देख लें इधर में कितनी खूबसूरती है इस गांव में। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे मचान आपको नज़र आएंगे, घर नज़र आएंगे, जानवरों की एक लंबी फहरिस्त होगी। सरकार ने यहाँ वाटर पाइप के लिए दिया हुआ है। ये देख लीजिए तो ये एक सुंदर सा गांव मैंने आपको दिखलाया, और दिखलाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आप देख सकें कि हमने कितनी मेहनत की है चाचर को खोजने में। तो यहाँ से थोड़ा मिलते हैं, देखिए बाबा यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्या बाबा प्रणाम। बाबा कौन सा गांव है ये? ये कौन गांव है? ये गांव कौन सा है? गांव कौन है? पिपराही। हाँ। गांव ये जो है लहरा है। कहाँ घर हुआ? हमारा तो घर हुआ हापवा। हापवा? हाँ। बाबा है। हाँ बाबा है। हाँ, किसका है आए हैं? हम ही वैसे आए खोजने के लिए। चाचर गाने वाले कोई है क्या यहाँ पर? कोई है गाने वाला चाचर? पिताजी के नाम महेश्वरी पांडे जी। चाचर गाने वाला यहाँ कोई है? कह रहे चाचर गाने वाला कोई है बाजी? नहीं सुनते हैं। हम आपसे कह रहे हैं चाचर गाने वाला यहाँ कोई है? चाचर गाने वाला कहाँ? चाचर गाने वाला पांडे चाचर नहीं सुनते ना। चलिए इनको हम यहाँ से इधर से यहाँ देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग यहाँ देखिए इधर में कोई कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ से देखते हैं कि कुछ बता पाते हैं या नहीं। क्या भाई साहब, भैया यहाँ कोई चाचर गाने वाला है क्या? लेकिन यहाँ जो टेढ़ मेढ़ जो प्लॉट है ना जी, एकरे वजह से सर हर परेशानी फसता यहाँ आओ तो खरैया से और हुआ जा तो घरा छुते नहीं है अबरी तो कुआ हुआ से उन्हें ओकर अबरी ओकर में चल गले वहां से पचवे में चल गले वहां से लागू आर उन्हें तो रेट हो गले चचवा कने गला तनी मनी जाने से तो है भाई जाने से कौन कौन जानेंगे जानते हैं नहीं। चलिए भाई यहाँ भी कोई नहीं जानता तो यहाँ से भी हम लौटते हैं, लेकिन बहुत दूर आ चुके हैं और खोज में इसके चाँचर। तो जैसा कि आपने देखा कि भोंडो गांव में भी हमें कोई चाचर गाने वाला नहीं मिला। यहाँ से ये पता चला कि वृंदा गांव में कोई गाने वाला है। वृंदा यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है। फिर हमने बस पकड़ी और बस पकड़ के वृंदा पहुँच गई। थोड़ा बस के नज़ारे आपको देखा। वृंदा गांव में हम लोग आए हैं। वृंदा गांव है ना? तो वृंदा गांव में देखिए भैया यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ भी कोई गाने वाला नहीं है। नहीं श्योर है यहाँ कोई नहीं गाता। क्या नाम है आपका बुआ? चंद्र महतो। चंद्र महतो। तो यहाँ कोई गाने वाला नहीं पता चला था, यहाँ गाने वाला है? कोई नहीं गाने वाला। तो यहाँ से पहले के युग में वो मर गया। मर गया। अभी जो अभी नवयुवक में है हाँ। सब हीरो है। हीरो है, नहीं गाता है। अब वो चाचा दिरा नहीं। तो फिर कैसे होगा बाबा बताइए हाँ? कैसे होगा? तो कह दिए ना कि टोइया में है अभी जो है सब जिंदा है। अच्छा। उन लोग आता है हाँ। और उन लोग अभी जिंदा है। अच्छा। तो वृंदा गांव में भी हमें गाने वाला नहीं मिला। यहाँ से क्लू जरूर मिल गया कि टोइया गांव में एक गाने वाला है, दो गाने वाले हैं। तो अब यहाँ से सीधे हम टोइया जाते हैं, और टोइया जाने का बस एक ही रास्ता है, वो है कि बस के माध्यम से वहाँ पर हम जाएं। तो हमने बस पकड़ी भाई और चले चले वहाँ तक। अब बस से उतरने के बाद हमें 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ा और अब हम पहुँच गए टोइया गाँव में। टोइया गाँव में सबसे पहले हम मिले देवधारी यादव से, जिनके बारे में कहा गया था कि ये गाना जानते हैं। लेकिन देवदारी जी ने तो सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो तो गाना जानते हैं नहीं। नहीं भूल गए हम सब चीज़ें। हम गाय फालतू का कुछ थोड़ा बहुत गाइए ना। वो जेब नहीं आएगा तो उसको गाते हैं। हमको आई भी नहीं करता, वो तो भुला गए हम सारी चीज़ें। पूरा भूल गए? पहले नाचते कूदते थे तो गया था उस समय में। वो बोले कि आपको मालूम है पूरा? ना, ना,
वही लोग गाता था, बुढ़ा मर के ठगड़ी मत होता। अच्छा, वही लोग गाना गाता था। जाकर आपको नहीं आता जरा सर? थोड़ा जानते हैं बता दीजिए। बोल रहे हैं तो जानते का, हमको का इसको का था, हमको ज्ञान हमारे चेक में आता एकदम नहीं जानते ना, ना। का चीज के? अरे चाचर है, चाचर मतलब जैसे परेशानी भी हमने गाता था आदमी, वही सब वही कहते हैं सब गानों के लिए। नहीं आता आपको? नहीं भैया नहीं। अब अंत में हम आ गए दुर्जन यादव जी के घर। दुर्जन यादव जी में मिल गए। नाम भले ही इनका दुर्जन है लेकिन बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। इन्होंने हमें चाचर सुनाया। ये इनका घर है, देखिए ये हैं दुर्जन जी, इनका पूरा परिवार यहाँ पर है। और ये हम जो देख रहे हैं सामने, ये इनका गांव है टोहिया, टोहिया में है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके अगर हम आएंगे तो टोहिया का ये लुक है थोड़ा सा। हाँ, धीरे धीरे करके हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं टोहिया को। एक सड़क गई है यहाँ से और ये नारायण बाबे तो हाँ, तो दुर्जन भले ही नाम इनका दुर्जन लेकिन हाँ, बहुत ही दुर्जन यादव जी जी बहुत ही सज्जन आदमी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और ये देखिए इनका परिवार, इनका घर छोटा सा है, अभी घर बन ही रहा है। घर बन रहा है आपका चाचा? हाँ। तो आप खुद से काम करते हैं? अपने से काम करते हैं? तो पहले आसनसोल में कमाते थे। जी जी। अब बोरा ढोते थे। हाँ हाँ, इतना बोरा होता था लेकिन पैसा भी कमाते थे। चलिए, इतना होता था बोरा। हाँ। तो भाई ये है टोहिया गांव जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं और बहुत मुश्किल से इनसे परिचय में रहा हुआ है। ये हैं दुर्जन जी, ये हैं देखिए दुर्जन यादव जी। अच्छा, ये सोहराय गा रहे हैं कि चाचर गा रहे हैं? चाचर है ये, चाचर है। फिर से जरा गाइए। राम तो रे रिया रे 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 रियो रे रिया रे रे करहेट तो मनाई भुआ ठैया धरती दादा बड़ो मनाई भगवान करतब तो मनाई मैया दुर्गा दादा ये दलती जाना मन हमार। यही सब है, ये तो हो गया ठीक है। और एक चाचर जो सुनाइए कोई। चाचर का ये चमारा का ये दोनों एक ही चीज है? हाँ, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, ये कब गाते हैं आप लोग? ये वाला देखिए, जैसे शादी हुआ बारात जाना है। हाँ हाँ, तो इसी तरह गाते बजाते जाते हैं। जिसका घर शादी होगा, शादी हुए इसके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ हम लोग अंधेरे किरण पोर देंगे। अच्छा, गाते गाते ओहो, तब फिर ओकर बाद शादी ब्याह हो गया। हाँ, फिर विदागरी हो गया, फिर हम लोग गाते बजाते आते हैं। गाते बजाते आते हैं? हाँ, बिना गाया बजाते हुए मजा नहीं आता। नहीं, जब तक अपन मुँह बोल नहीं निकलेगा। नहीं ना। और एक अक्टे कोई गाइए चाचर है? चाचर एक अक्टे और गाइए। बड़ा दिन पर भेजे हैं आप, तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं ना। हाँ, तो बढ़िया से याद कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हम मजा लगता है। ढोल वोल रहकर रहता है तो ना। अच्छा चलिए, तो ढोल वोल के साथ भी कभी सुन लेंगे आपसे हम। आप देखिए, जैसे हफवा रहते हैं ना, जाते हैं हम लोग। हाँ, थी मिल लेते हैं, गाते बजाते चले जाते हैं घर। हाँ हाँ हाँ, पांडे जी की शादी भी यह करता है पांडे जी। हाँ, तब हम लोग कर देते हैं उनको, तो हमरा नहीं कर देगा। हाँ हाँ, तो उनको नहीं। जरा याद कीजिए, चाहे याद कीजिए आप, याद कीजिए। और आरतिया हो ऊपरो सुमेरियन गंगामा आयो करता तो सुमेरिया मैया दुर्गा मायो जे देती जन्मान रे हमारे तो मनैया दादा जय बहबरी अतिया हो आई हो दादा शौकीन बबरतियन ले ले जा हो। जो जो गाना गाई गुजरात में पंडित जी मिलेगा तो लौटते समय, उधर से लौटते समय क्या गाते हैं? लौटते समय क्या गाते हैं? लौटते समय हाँ,
जब बारियती खत्म हो जाता तब गाते समय उसमें क्या है? दो चार लोग लियो मजा नहीं आता था। नहीं जाते समय ही गाते हैं? जाते ही समय में। अच्छा, जो गा सकते हैं तब खाइए। तो आते समय दीदी के दीदी बता रही है, दीदी बताओ, दीदी आप बताइए, आप पता है? देखिए यही बता रहे हैं। हाँ, ये तो कुमार जी अगर बहुत ही आए नहीं बैठा रहो लेने। हाँ, जरा बढ़िया से कहिए। हाँ, भैया तो कुमार मैया दुर्गा हो का तिरसा आई, जे हो तो जन्म दल के हमारा बा दई बाहू, पहने शिखर ये मरवा जीना हमार, कल मैया तो कुमार धिया गर्भ दिया नदनी को बैठल है लेनिहार। घूरी कहो बोल बेटवक बिया करके। हाँ, अब चल रही घर घूर लो। अच्छा, फिर से गाइए जरा, घर जाएंगे। हाँ, जरा फिर से गाइए, वो जरा गाइए फिर से। हाँ हाँ, गाइए गाइए, फिर से गाइए, गाइए। बैठल हौ लेनी तो समझी तोरा देलियो मन एलही तू चुमन करो। मजा नहीं आता है, चुमाउन के पहले आना चाहिए बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, यह सब गाता है। और फिर लौटते जब डरवा दिन आगे रामारे हे रिया रे 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 रियो रे रिया रे। कहीं सुनती है तभी गोती कोती की। गाओ गाओ। मैया तो कुमार गैया गारा बतिया, दादा यहरा चल रही अपन हो बरात, अरे अपना तो बढ़िया दिया जा भी चल रहे जाहू। तो ठीक है, पैसा कमा लू तो पैसा पर तो मजदूरी लगा दियो। अरे इनको चॉइस हो गया तो बढ़िया है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया गाते हैं। अरे जल्दी जल्दी, तू तो हमने दिन पर आ रही थी। अच्छा, सांझ गई भी कौन मोन पर था? ये भी तो गई भी और भी ना पीले हम कौन सी खोजो थी? आइया निर्मल जलवा दे रही जूठा कर कहा तो मास हेठ धरती दादा कौन मास पहलनिया समानो। जेठ बैसाख में मोनो शादी बियाह चलेगा, बरात देखने गोवार के पहले मजा लगता है। और ऐसे तो जेठ बैसाख लगाओ नी इकटी में झिकटी ककरो आंगन में पत्थर फोर ककरो आंगन में बाजो है बजनवा लागो है सोहान गहन तो सब जाता। ये चाचर सुनकर हमें अपना बचपना याद आ गया। गांव में जब हम जाते थे तो खास खास मौके पे चाचर सुनाया जाता था। चाचर की अपनी विशेषता है, हमें चाहिए कि हम इसका संरक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय में चाचर गाने वाले लोग नहीं रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।